नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के वजीराबाद सेक्टर 52 मार्केट में। मैं बता दूं, ये मार्केट काफ़ी अस्त व्यस्त वाला है, काफ़ी भीड़ भड़ाकों वाला है। और हम आपको बता दें कि जैसी सरकार की गाइडलाइंस थी कि 6 बजे के बाद ज़रूरतमंद दुकानों के अलावा जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी। मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे, इस वक्त यहाँ से ये मार्केट शुरू होता है। तो शुरुआत में ही आप देखेंगे इस मार्केट के कि यहाँ कूलर शॉप है जो खुली हुई है, ये एक शॉप है। ऐसी कई शॉप्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस वक्त मौके पे, जो खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त दो पुलिस वाले बाइक पर आके यहाँ पे पेट्रोलिंग करके गए हैं। उन्होंने भी यहाँ का हाल देखा, उसके बाद भी यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरती जा रही है, चाहे कोरोना के मामले को लेके हो। वहीं मैं बता दूँ, वीकली मार्केट भी खुले हुए हैं। मानते हैं सब्जियाँ हो या फल फ्रूट की दुकानें, हम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त भी अभी तक ये दुकानें खुली हुई हैं। तो हम इनसे ही बात करते हैं। सर, जो ऑर्डर्स थे वो 6 बजे के बाद थी, तो अब ये इस वक्त बंद हो रही है। जब पुलिस वाले यहाँ से आकर गए तो आप लोग किस चीज़ का वेट करने लगे? हम 6 बजे तो बंद करने लगे। अच्छा, ठीक है। तो सर, ये ऑर्डर्स जो जारी किए गए इनसे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अच्छा, आप खुश हैं? बिल्कुल जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल खुश है और अब ये बंद भी कर रहे हैं। वही अब हम और अंदर जाएंगे। हम बता दें कि यहाँ जब हम आए थे तो इस तरह की कोई हलचल नहीं थी दुकान बंद होने की, पर जैसे ही पुलिस वालों ने यहाँ का दौरा किया, यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं ये दुकानें भी खुली हुई हैं। यहीं से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये दुकानें भी खुली हुई हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मीडिया और पुलिस प्रशासन मौजूद हुई, लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मार्केट में उथल पुथल मच गया। उससे पहले सब कुछ काफ़ी स्मूथली और अच्छे से जा रहा था, लग ही नहीं रहा था। अगर 6 बजे के ऑर्डर्स हैं बंद करने के, तो एग्जैक्ट 6 बजे लोग तो दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं, उसके बाद बंद करें। इसका मतलब यही है कि अब लोगों के दिमाग में आई है कि वो दुकानें बंद करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट्स अभी भी खुली हुई हैं। ये फ़ोन शॉप्स हैं, ये पूरा मॉल एरिया है। आप देख सकते हैं ये अभी भी खुली हुई है। आप देख रहे हैं ये कैसे चीज़ें उठा उठा के रख रहे हैं। सर, ये 6 बजे बंद करने का था, आप लोग अब क्यों उठा रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं चीज़ें उठाई? जी सॉरी, जी हाँ, अच्छा। तो ये भी आप कह रहे हैं कि अब ये बंद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी कैसे यहाँ लाइट्स जल रही थी, यहाँ चीज़ें सब कुछ खुली हुई थी, अब यहाँ चीज़ें बंद होनी स्टार्ट हो गई हैं। हमें देख के बंद, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, ये वजीराबाद का सेक्टर 52 का मार्केट है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ इस मार्केट से हमें काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं, उसके बाद हम इस मार्केट में आए हैं। यहाँ काफ़ी लोगों ने हमें कंप्लेंट्स दी हैं, हमारे पास मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस, यहाँ पे आइए और देखिए यहाँ किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले को लेकर हो या फिर मार्केट्स बंद होने की हो या फिर जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उनको लेकर हो, किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें खुली हुई हैं आप देख सकते हैं। यहाँ अभी हम जब आए थे तो एक एक चीज़ बंद नहीं थी, और यहाँ उसके बाद यहाँ से पुलिस वाले मौके पर यहाँ से गुजर के गए हैं, उसके बाद उन्होंने चीज़ें बंद करवाई। वहीं अगर हम बात करें इससे पीछे जो वीकली मार्केट लगा हुआ है, वहाँ भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा है। चाहे लोगों की बात करें, अब आप देख सकते हैं कैसे यहाँ उथल पुथल मच चुकी है। लोगों ने दुकानें बंद करनी अब शुरू कर दी हैं, आप देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। जब हमने लोगों को और जब पुलिस वाले यहाँ मौके पे आए, तब उन्होंने ये दुकान बंद की। अब हम देख सकते हैं यहाँ इस वक्त भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। सर, आप दुकानें बंद कर रहे हैं? हाँ मैम, कर रहे हैं जी। ठीक है, तो अभी तक 6:12 हो गए हैं, तो ये आपने कोई काम था मैम? अच्छा, सॉरी उसके लिए। हाँ,
ठीक है, तो इन्होंने कहा इनको कोई अर्जेंटली काम था, चलिए हम मान लेते हैं क्योंकि 6:12 हो रहा है, चलिए मान लिया इनका अर्जेंटली कोई काम था। यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके अर्जेंटली काम होंगे और इन्होंने काफ़ी इमरजेंसीज में अब हफड़ा तफरी में दुकानें बंद करनी स्टार्ट कर दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओहो, उन्हें अंदर ही बंद कर देंगे क्या सर? सर आपने उन्हें अंदर ही बंद कर दिया? अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें अंदर ही बंद कर दिया गया है। ये दृश्य भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ऐसा भी हो रहा है, मीडिया को देख के लोग अपने ही लोगों को अंदर भी बंद कर दे रहे हैं। आइए हम यहाँ भी पता कर लेते हैं कि यहाँ ऐसा क्या सर, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा, आपको नहीं लग रहा कि आप पे इन सब पे आपको भरोसा है? कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो अब 6:00 हैं सर ऑलरेडी, ये 6:30 बंद करिए। हाँ जी, जैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ है, तो हम ज़्यादा अंदर जाएंगे भी नहीं क्योंकि, और आपने तो देखा ही कैसे लोग हफड़ा तफड़ी में मच चुके हैं। इसका मतलब यहाँ ये इस मूड में नहीं थे कि ये दुकानें बंद हो, या फिर यहाँ किसी भी तरह की नियम को फॉलो ही नहीं किया जा रहा था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में हम तक कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की। आप देख सकते हैं अब यहाँ चीज़ें किस तरीके से हबड़ दबड़ में बंद होनी स्टार्ट हुई। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें उठा उठा के अब लोग रख रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं वजीराबाद मार्केट की, जहाँ लोग बेपरवाह होके दुकानें चला रहे हैं। मास्क कहाँ है सर आपका? आपका कहाँ है सर आपका? सर लगाओ ना। हाँ लगाइए सर, लगाइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे दुकानें खुली हुई थी और अब लोगों को अकल आई है, अब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करनी स्टार्ट की हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती जा रही थी और अभी वो जो पुलिस वाले थे वो आके चले गए हैं। दोबारा हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर अगर 6:00 की टाइमिंग है तो 6:00 से पहले ही लोग इस तरह के एक्शंस लेना क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? 10 मिनट पहले भी तो ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जैक्ट 6:00 से टाइमिंग नहीं मैच की जाएंगी, ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, पर जब हम यहाँ आए थे तब अब देख सकते हैं यहाँ कैसे चीज़ें बंद हो रही हैं। पूछ सकते हैं, इनसे पूछते हैं, मैम ये जो ऑर्डर्स जारी किए गए 6:00 के बाद बंद करने के लिए, आप इसको सहयोग करती हैं? हाँ जी, 6:00 बिल्कुल बंद कर देते हैं हम जी। तो इनका भी ये कहना है क्योंकि ये हम दुकानदारों से इसलिए पूछ रहे हैं कि 6:00 के बाद आप ये मसालों की दुकान है, तो हम 6:00 के बाद इनसे इसलिए पूछ रहे हैं सर। अभी और कितने कस्टमर को जूस पिलाने का इरादा है आपका? हो गया बस। अच्छा, बंद कर लीजिए, ऑर्डर्स हो चुके हैं जारी 6:00 के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग लापरवाह थे, बेपरवाह थे, एकदम ही अपनी मस्ती में चला रहे थे, यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। यहाँ पे जब हम मौके पे पहुँचे और हमने पूरा मार्केट का जब जायज़ा लिया तो पूरी तरीके से लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, अच्छे से चला रहे थे, और जैसे ही हमने गाड़ी से कदम बाहर निकाला और यहाँ पुलिस वाले मौजूद हुए दो, उसके बाद यहाँ लोगों में अफरा तफरी मच गई, दुकानें बंद करने लगे। अब आइए यहाँ देखते हैं यहाँ किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है दुकानों को बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 6:00 हैं और यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं लोगों ने अफरा तफरी में चीज़ें बंद की हुई हैं नीचे। चलिए ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये भी ग्रॉसरी स्टोर है, नहीं नहीं ये नीचे ग्रॉसरी स्टोर है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। ऊपर वाली दुकानें हम देख लेते हैं, वो स्टोर रूम है। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं
तो यहाँ अब जो दुकानें बच गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की हैं। अब तक यहाँ सारी दुकानें खुली हुई थी, चाहे वो बात कर लें हम नॉर्मल फोन्स की दुकान हो, रिचार्ज शॉप्स हो, या कूलर की शॉप्स हो, या कोई भी ऐसी अन्य शॉप जो ज़रूरतमंद सामानों में नहीं आती हैं वो खुली हुई थी। अब यहाँ हम देख लेते हैं आखिर ये जो लगे हुए हैं ये किनका वेट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा वेट कर रहे थे, एक्चुअली ये किनका वेट नहीं कर रहे थे, ये हमारा आने का इंतज़ार कर रहे थे कि हम आएंगे और इन्हें बताएंगे कि सर दुकानें बंद करने का वक्त आ चुका है। तो ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। 6:17 हो चुके हैं सर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप लोग? हाँ जी मैडम, किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? आ जाइए अंदर। यस मैम, वेलकम। सर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? 6:17 क्या हो रहा है? हेलो क्या हो रहा है? और वो तो आपने अभी हमें देख के किया है। नहीं क्या हो रहा है आपको क्या? देख के नहीं। हाँ क्या हो रहा है मतलब? क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लड़के? सेटिंग नहीं करे? किस चीज की सेटिंग? किस चीज की सेटिंग कर रहे हैं बताइए? अच्छा हाँ बताइए, किस चीज की सेटिंग कर रहे लड़के? लड़के किस चीज की सेटिंग कर रहे? सामान सेट कर रहे हैं। अच्छा सामान सेटिंग कर रहे हैं ना? बस तो जी टाइम लगता है ना थोड़ा। अच्छा कितना टाइम? 2-4-10 लगते हैं। अच्छा। लड़के अभी आपको सेटिंग सारे अंदर कर रहे हैं। 2-4-10 इट्स 6:18 सर। हाँ जी तो 10 मिनट से ज्यादा है जो आपने अपनी समय। अच्छा ठीक है ना, टाइम लगता है। कस्टमर ऐसे भी आते हैं, पागल कस्टमर आते हैं, कई बार क्या होता है हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं, हम उसको भी किलो हम एंट्री नहीं है हमारे पास। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं, कस्टमर हमारे पास यानी क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने में टाइम लगता है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है तो करिए क्लोज, मैं देखती हूँ आपको और कितना टाइम लगेगा। आपने कहा 10 मिनट, हाँ तो आप जाइए ना सर, मुझे तो और भी जगह जाना है। ठीक है चलिए, तो आपने देखा कुछ इस तरह के भी होते हैं। ठीक है तो अब आपने ये देख लिया, ये है तरीका। अब देख जिस माना कि ये लोग भड़केंगे, सबको अपने दुकानें चलानी है, सबको अपना रोज़गार चलाना है, पर अगर सरकार कोई नियम या कोई रूल या किसी को जारी करता है, कोई आदेश जारी करता है, तो उसके बाद इस तरह की लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बता दें इसके पीछे वीकली मार्केट लगा हुआ है, जहां भारी मात्रा में लापरवाही बढ़ती जा रही है, भारी मात्रा में लोग बिना मास्क के हैं, लोग भीड़ में इकट्ठा हैं और काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वजीराबाद सेक्टर 52 का ये जो हाल है, गुरुग्राम के अन्य मार्केट का ऐसा हाल ना करिए, और जो नियम और जो आदेश जारी किए हैं उनका सख्ती से पालन करिए, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके लोगों के लिए है। यदि कल को मामले इतने बढ़ रहे हैं कोरोना के जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब देखते हैं ये किस चीज़ की सेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। ये तो कोई सेटिंग का इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सर, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? नहीं सर तो 6:20 हो गया, बढ़ा देते हैं जी, जा ही रहे थे हम तो। सर लग तो नहीं रहा था आप जा रहे थे। जा रहे हैं जी, देखो सब सभी चले गए, आपके चले गए। हाँ तो जाइए सर। तो आपने देखा कि यहाँ ये काफ़ी निश्चिंत बैठे हुए थे, इन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई परवाह नहीं थी, आराम से बैठे हुए चला रहे थे अपनी मस्त अपनी दुकान चला रहे थे। ये आधी बेकरी खुली हुई है, आधी बंद है। हाँ ठीक है, तो इन्होंने भी कहा कि बस जा रहे हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं जा रहे हैं, अकेली हैं वो, हो सकता है उनसे शटर ना बंद हो रहा हो, कोई भी वजह हो सकती है ना जाने की। तो इस तरीके से लापरवाही जो कि हमने दिखाई, हम मानते हैं इस तरह का जो अगर कोई रूल या कोई रेगुलेशन जब आता है तो उसका उसके ऊपर अमल करने में वक्त लगता है, पर और कितना वक्त लगेगा? लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश में अगर बात की जाए तो रोज़ाना 360,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद आए दिन सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, ऑक्सीजन की कमी हो, बेड्स की कमी हो, आईसीयू की कमी हो, इस तरह की समस्याएं सरकार के सामने आ रही है। उसके बाद इस तरह की लापरवाही अगर देखें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को दूर तक शेयर करें, ताकि अन्य इलाकों में भी अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है तो उस पर रोक लगे। कैमरा तो खरीद, ठीक है, ऐसा कोई उस पर रोक लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये भड़के हुए हैं। अगर ये सही होते तो ये भड़के हुए नहीं होते।
अगर ये सही होते तो ये भड़के हुए नहीं होते, अगर ये सही होते तो ये भड़के हुए नहीं होते। आप देख सकते हैं यहाँ सरेआम बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये हमें ऑन लाइव धमकी दे के गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए जाने दीजिए। तो इस तरीके से लोगों का बर्ताव है। हम यहाँ ना किसी को परेशान करने आए, हम सिर्फ देखने आए हैं जो सरकार ने डिसीजन लिया है, जो सरकार ने आदेश दिया है उस पर कितना अमल किया जा रहा है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन सूरज के साथ, आप देख रहे हैं वजीराबाद सेक्टर 52 से लाइव। धन्यवाद।